कहानी की शुरुआत में मैचन को ढूंढ रही होती है। एक लड़का आके उसकी मदद कर रहा होता है। कोमुरो उस बंदे को देख लेता है और बताता है इसका नाम मजूम है। ये लड़कियों में बहुत पॉपुलर भी है। मैचन इस बात से बेखबर होती है कि ये कोमुरो नहीं है, अजूम है, और उसकी हेल्प ले रही होती है और बहुत क्लोज आ रही होती है। कोमुरो को लगता है ये बहुत फ्रेंडली हो रही है अजूमा के साथ। जब मैचन को शुक्रिया अदा कर रही होती है वो कहता है मैं कोमुरो नहीं हूँ, मेरा नाम मजूम है। और मैचन बहुत एम्बेरिस हो जाती है ये बात सुन के। वो बोलती है मुझे लगा तुम कोमुरो होगे क्योंकि कोमुरो अक्सर मेरी मदद करता रहता है। अब कोमुरो क्लास के अंदर एंट्री करता है और बोल होता मैचन गुड मॉर्निंग और अजूम स्माइल दे रहा होता कोमुरो को। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वापिस से मैचन अपने ग्लास भूल गई होती। उसकी दोस्त कह रही वापिस तुम ग्लास भूल गई पर तुम ऐसे घूर के देखोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। मैचन अपनी आंखों को फिक्स कर रही होती है मुझे किस प्रकार देखना चाहिए। और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोमुरो आ जाता है और सभी को गुड मॉर्निंग कहता है और मैचन को भी गुड मॉर्निंग कहता है। अब मैचन को जैसे गुड मॉर्निंग कहती है कोमुरो की आँखें खुली की खुली रह जाती है। उसको ऐसा लगता है कि वो हेवन में है। पर एकदम जब मैचन अपनी आँखें छोटी कर देती कहती है मुझे बहुत दिक्कत हो रही है आँखों को बड़ा करने में अपने। अब कोमुरो स्टडी कर रहा होता तब भी मैचन के बारे में सोच रहा होता उसकी आँखें कितनी प्यारी थी। अब घर में चले जाते तब भी मैचन के बारे में सोच रहा होता उसकी कितनी सुंदर आँखें थी। जब सो रहा होता तब भी मैचन के बारे में सोच रहा होता है वो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैचन अपना चश्मा पहन के आई होती और कोमुरो की मदद मांग रही होती तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा, तुम्हें मेरी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। और को शब्द बोली होती कोमुरो भी वो बोल रहा होता है। मैचन कहती तुम मेरे पे बहुत ईजी जा रहे हो, तुम्हें मुझे बुली करना होगा। और कोमुरो वापस शब्द शुरू कर देता है। मैचन गलती से उसका नाम बोल देती है और कोमुरो बहुत शर्मा जाता है। फिर मैचन कहती है मैं हार गई पर कोमुरो शर्माते हुए कहता है मैं हार गया इस बार। अब उन लोगों की क्लासरूम साफ करने की ड्यूटी लगी होती है। कोमुरो कहता है मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैचन के साथ काम कर रहा है पर वो अलग बात है बागी जाने भी है हमारे साथ। मैचन पर्दे के पास जाके झाड़ू मार रही होती पर वहाँ पे एक कॉकरोच आ जाता है। कोमुरो कहता है मुझे क्या करना चाहिए, ये अच्छी बात है मैचन के पास उसके चश्मे नहीं है वो देख नहीं पाएगी। और वो एकदम से मैचन को अपने पास बुला लेते हैं। मैचन वहाँ पे आती और एकदम से उसके मुँह के पास आके खड़ी हो जाती है पर एक लड़की जोर से चिल्लाती वहाँ पे कॉकरोच है। मैचन एकदम से कोमुरो को गले लगा देते और कोमुरो की हालत पतली हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैचन कोमुरो को गुड मॉर्निंग कह रही होती और कह रही होती मैं वापस ये चश्मा भूल आई अपना। कोमुरो सोच रहा होता है ये कोई मूवी का सीन है क्या और मैचन से कहता है अपने सिर के ऊपर देखो जरा और एकदम से वो हाथ लगा दी उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। अब कोमुरो जैसे चश्मा उठाता है मैचन अपना फेस आगे कर देती है। कोमुरो कहता है ये क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, मतलब मुझे ये चश्मा पहनाना बस। और चश्मा पहनाना जैसे ही जा रहा होता है गलती से उसके फेस को टच कर देता है वो। मैचन कहती है शुक्रिया तुम्हारा और कोमुरो अपने हाथ को पकड़ा होता है जिस हाथ से उन्हें छुआ होता है उसे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दो लड़कियाँ बात कर रही होती, कह रही थी हमें अजूमा को लव लेटर देना और वहाँ से जा रही होती पर उनका लव लेटर नीचे गिर जाता है। अब मैचन उस लेटर को देख लेती है पर उसे चश्मा नहीं पहना होता तो वो पढ़ नहीं पा रही होती। वहाँ पे कोमुरो आ जाता है, वो कह रही होती कोमुरो तुम बता सकते हो ये किसका लेटर है। कोमुरो हंस रहा होता कह रहा होता है ये वापस अपना चश्मा भूल गई और जैसी लेटर उठाता है उसको पता लग जाता है ये लव लेटर है और वो लेटर में नाम पड़ता है ये अजूमा के लिए होता है जो बहुत फेमस है लड़कियों के लिए। तो मैचन वो लेटर लेती है और अजूमा के पास पहुँच जाती है और अजूमा को वो लेटर दे देती है। फिर सभी ये सब देख के बहुत शौक हो जाते हैं, उसने एक लव लेटर दे दिया अजूमा को। कोमुरो कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब लड़की आके मैचन से पूछ रही होती है अजूमा तेरा कब से चल रहा है, वो कह रही क्या कह रही हो तुम। लड़की उसे फिर पूछती तुम अजूमा को अच्छा मानती, वो कह रही मैं अच्छा मानती हूँ। कोमुरो कहते हैं इसका कहने का ये मतलब नहीं था वो उससे प्यार करती है। और अजूमा वहाँ से निकल जाता है लेटर को पढ़ रहा होता है। कोमुरो कहता है यही मौका है मैं उसे सच्चाई बताऊँ। जैसे अजूमा वो लेटर पढ़ रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। फिर अब कोमुरो क्लास में बैठा हुआ तो कह रहा होता है ये तो एक गलत फहमी है, ये सब गलत फहमी के कारण हुआ पर मैं ये सब सोच क्यों रहा हूँ, मैं तो मैचन के लायक भी नहीं हूँ। और अजूमा कोमुरो को देख रहा होता है और कोमुरो की फीलिंग को समझ रहा होता है। मैचन कोमुरो से कहती है तुम्हें क्या हुआ और एकदम से मुंह सामने ले आती। कोमुरो कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैचन कहती तो ठीक है। कोमुरो एकदम से कहता है मैचन तुम्हें अजूमा कैसा लगता है। मैचन रिप्लाई देते हुए कहती सभी लोग अजूमा के बारे में पूछ रहे हैं अब तुम भी पूछ रहे हो, वो कहते कोई बात नहीं मत बताओ। मैचन कहती है मुझे अजूमा कौन पसंद है पर उससे ज्यादा मुझे तुम पसंद हो। कोमुरो ये सुन के बहुत शौक हो जाता है। अब वहाँ पे एकदम से अजूमा कौन आ जाता है, कह रहा होता है मैचन जो तुमने मुझे लेटर दिया था मैं उसका जवाब देने आया हूँ। कोमुरो ये सुन के बहुत शौक हो जाता है और मैचन वो लेटर को ले लेती है पर उसके पढ़ा नहीं जा रहा होता तो कोमुरो से कहती तुम पढ़ लो इसको। अजूमा कहते हैं हाँ कोमुरो तुम पढ़ लो ये लेटर। कोमुरो कहता है इसमें क्या लिखा होगा और जैसी लेटर खोलता उसमें लिखा मैचन तुम्हें पसंद करती है कोमुरो। और कोमुरो ये सब देख के शौक हो जाता है और अजूमा का ये प्लान होता है कोमुरो को फीलिंग बताना मैचन की असली। मैचन कोमुरो से कह रही होती लेटर में क्या लिखा था,
कोमुरा कहता है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, उसमें लिखा था शुक्रिया तुम्हारा लेटर देने के लिए।